हाँ तो पंचाली कहिए पियाजी, आज तुम्हें एक बहुत खुशी का संदेश देना चाहता हूँ। कौन सा संदेशा है? संदेशा ये है कि हमारे 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास 13 साल पूरे हो गए। अच्छा, और अब जब कल्याण के दिन थे वो खत्म, और खुशी के दिन तेरे जीवन में आने वाले हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और एक और एक खुशी। कौन सी खुशी? की जो तुम्हारा बेटा अभिमन्यु है, हाँ वो अब सियाना हो गया। बिल्कुल। और जब बेटा बेटी सियाना हो जाए तो समय पे उनका ब्याह शादी सगाई कर देना चाहिए। हाँ। इसलिए हम अभिमन्यु का रिश्ता हमने पक्का करने जा रहे हैं। मुझसे बिना पूछे मैं तुमसे सलाह लेने के लिए इसीलिए आया हूँ। आखिरकार मुझे भी तो पता चले कि जिस लड़की के साथ तुम मेरे बेटे का रिश्ता पक्का करने जा रहे हो वो कौन है, किसकी लड़की है, क्या नाम है उस लड़की का। सारी बात बता दूंगा, लेकिन अभिमन्यु की सगाई और ब्याह हो जाए तो राजी तो है ना? बिल्कुल राजी नहीं हूँ। तुम्हारे बेटे का ब्याह हो जाएगा क्या तुम्हें को खुशी नहीं होनी चाहिए? नहीं, कोई खुशी नहीं है मुझे जब तक मेरे बेइज्जती का बदला उन कैरों से नहीं लोगे ना, जब तक मेरे ये सिर का जूड़ा उन कैरों के खून में नहीं धोएगा, जब तक कोई भी खुशी नहीं बनने दूंगी। अच्छा, हाँ मेरी बात सुनिए, पहले सुनाइए अपनी बात। Oh my God!
की तेरे साल इतने आसानी से पूरे हो जाए, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से तेरे साल पूरे हो गए। और हमें तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि इस हालत में हमारे बेटे की सगाई एक राजा की बेटी से हो जाएगी। राजा की बेटी हमारे बेटे की दादी बनकर आ जाएगी, और जब तो इस ब्याह की हाँ कर देगी तब तेरा भाई और कृष्ण कन्हैया भाती बनकर आएगा। क्यों मेरे जख्मों पे नमक गिर रहे हो? तेरे जख्मों पर नमक गिर दिया? हाँ, बेटे के ब्याह का जिक्र कर दिया तो जख्मों पर नमक गिर दिया। क्या कहा तुमने कि कहीं आएगा? यहाँ में तेरा भाई भाती बन करके आएगा तो ये भी तेरे जख्मों पर नमक डाल दिया। हाँ, क्यों? क्योंकि उस कन्हैया का मेरे सामने नाम मत लेना। क्यों, तेरा भाई नहीं है? मेरा भाई नहीं है वो। किसका भाई है? अगर मेरा इस दुनिया में कोई दुश्मन है ना, हाँ, तो सबसे बड़ा वो कन्हैया है मेरा। यानी एक बहन का अगर दुश्मन है दुनिया में तो उसका खास भाई है कन्हैया। वो भी द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया। मेरे सामने उसका नाम मत लेना। क्यों? तुम तो भात लेने की बात करते हो, मैं उसकी शिकल भी देखना नहीं चाहती। तेरा भाई कन्हैया ने तेरा क्या बिगाड़ दिया? उसने मेरे साथ वो किया है जो किसी के साथ नहीं कर सकता। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो तो धर्म की विजय करता है। किया है उसने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय। क्या किया है? तुम्हें सब पता है, जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश। क्या किया? तेरे कौन से चीर चुरा लिए उसने, बता? वो मेरे चीर चुराएगा कैसे, उसकी इतनी हिम्मत? आखिरकार कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, सुन ले जरा मेरी बात। अपने भैया के घर में बैठ के खूब बात कर लिए, खूब लड़ाई कर लिए, खूब होली छोली बोल लिए, लेकिन एक बार ब्याह की मेरे तो तू ब्याह की हाँ कर दे। कोई बात नहीं, कराना चलो तो मेरे मिलने ले ले। उस कन्हैया का नाम मत ले देना मेरे सामने। चाहे कोई कहे घनश्याम, और तू अपने आप को महारथी कहता है। महारथी तू काहे का, तू काहे का महारथी, तेरे तीर रखेगा। अलमन्यो हरे उत्तरा व्यक्ति उत्तरा व्यक्ति ब्यावे राजा कन्यादान में देगा राज। उत्तरा व्यक्ति ब्यावे राजा कन्यादान में देगा राज। और गणी री मिले शादी करना चाहते हो? हो जाएगी शादी। हाँ, करने की दलील शर्म नहीं आती तुझे? किस बात के लिए? तुझे तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए। इस बात में शर्म की क्या बात? अरे अपने आप को क्षत्रिय कहते हो तुम? हाँ, लेकिन कोई काम नहीं है तुम्हारा क्षत्रिय वाला। क्यों? तुम तो एक हिजड़े थे, हिजड़े हो और हिजड़े ही रहोगे। अच्छा, शर्म नहीं आती? किस बात के लिए? कहते हो कि राजा वैराट कन्यादान में राज देगा। राजा की बेटी गली दांत मिलेगी तुम्हें। राजा की बेटी तेरे बेटे की बहली बन जाएगी। अच्छा, तू एक कमली भिखारी की संतान नहीं बनेगी, राजा की संतान बन जाएगी। आज तक कुछ कमा के तो खाया नहीं, दूसरे के माल पे नजर रहती है तेरी। अरे कौन बाप नहीं
लगाओ पूरा पूरा दान और दहेज दो। लेना 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 सीखा है, कम से कम किसी को देना भी सीख। कुछ है तेरे पास देने के लिए? देने की बारी आएगी तो दे देंगे, अभी तो लेने की बारी। तेरे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, देगा तो जब। अच्छा, हिजड़ा है, हिजड़ा ही बन के रहे। पहली बात तो कुछ है नहीं, पर आवे तो तू अन्न ही दे। कैसे? अरे राजा की बेटी रानी बनकर कह जाएगी हमारे बेटे। और हो सकता है तुझे एक दुख है कि 13 साल हमने घर बदर की ठोकर खाई, हमारे पास रहने के लिए कोई घर मकान नहीं। राजा जब शादी करेगा तो हो सकता है कि खुश होकर आधा राज भी कन्या दानवा दे दे। अच्छा। तो रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। हाँ, कमाना ना पड़ जाए, कमा के घर बनाना ना पड़ जाए तुम्हें। मैं तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होने दूंगी। यहाँ पे आकर कि सरकार तेल दे तो पुल्ले में ले। जब राजा देगा तो हमें लेने में क्या? तेरा पल्ला ही काटूंगी, क्या चीज़ से रुक जा तू। अच्छा, पराया देश है यहाँ, कोई हमारा हिमाती नहीं है। हिमाती कोई हो या ना हो, हाँ। जब तक मेरी बेइज्जती का बदला नहीं लोगे ना, जब तक मेरे सिर के बाल और कैरों के खून में नहीं धोएंगे, जब तक कोई ब्याह शादी नहीं होगी। किस बात की बेइज्जती? बेइज्जती की है उन कैरों ने मेरी सुबह। जो कर रही के 13 साल थे वो पूरे हो गए। अच्छा। और पुरानी बातों को उखाड़ना धोती शोभा की बात नहीं। जब तक पुराने भाव नहीं भरेंगे, जब तक कोई खुशी नहीं होगी। पुराने भाव भी तेरे दिए हुए हैं। अच्छा, मेरे हमें भाव दिए जो तूने दिए हैं। वो कैसे दिए? और तेरे को भाव दिए जो तूने दिए हैं। कैसे? दुर्योधन को नाम दे कांधा कहती, दुर्योधन को नाम दे कांधा कहती, तो ना तो जुए का खेल जाता, ना हमें हराया जाता, ना हमें 13 साल का बनवास मिलता। मैंने कोई गलत नहीं कहा, मैंने कोई गलत नहीं कहा, और मैंने अंधे का अंधा कह भी दिया तो मैंने नहीं कहा तुमसे कि तुम जाके जुआ खेलो और जुआ तो खेलो। मैंने ये नहीं कहा तुमसे तुम अपने आप को भी हार जाओ। मैंने ये नहीं कहा तुमसे कि तुम मुझे भी हार जाओ ना? मैंने तेरे से ये कहा था कि अपने फूफा ने अंधे का अंधा कह दे। तो मैंने कोई गलत नहीं कहा, अंधे का अंधा अंधा है तो अंधा ही कहा जाएगा। अच्छा, सुन ले मेरी बात। अंधे के कारण रुगत नहीं है, परिणाम आ गया। मेरी तेरे भूलो भाग, इतने जुड़ा, इतने जुड़ा नहीं बंधे का, थारे ब्याह में तेरे दो आग, इतने जुड़ा नहीं बंधे का, थारे ब्याह में तेरे दो आग। किसी ने ठीक कहा कि नार नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं रसरंगी है, रसरंगी नहीं सतरंगी है, सतरंगी नहीं दसरंगी है। ढकले पर सारे कुल को ढकले वरना ना पीती होती है, लेकिन रोती। हाँ। बीज का लिखा काहे को फला दिया दान, पहलम जुड़ा, पहलम जुड़ा बंधवाऊं तेरा अभी उठा कर लाऊं बाण, पहलम जुड़ा बंधवाऊं तेरा अभी उठा कर लाऊं बाण, हर में तू सभी रेशिका हो गोरी झगड़ा खुशी हो
सारे बीत अच्छा। आज तलक हार थी पर आगे आगे मारी जीत अनमन्यु बेटे के ब्याह में तू राजी हो के गाले गीत अनमन्यु बेटे के ब्याह में तू राजी हो के गाले गीत हरी पूरी हो जा तेरी चाहत हो गोरी सुनने खुशी की बात हो गई क्या करना है तेरे लाल का सुनने खुशी की बात हो गई क्या करना है तेरे लाल इस शब्द से अच्छा कोई नहीं और इस गगन से अच्छा कोई नहीं सच पूछो तो मेरे यारो मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। आइए इस तरह से क्या लिखा इस देश में कैसे कैसे देवी देवताओं ने उतार लिया कैसे कैसे देश भक्त हुए इस देश के अंदर कैसे जहां पार्वती की दया खाते हो उस देश
जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो अपने सीधे हाथ खड़े करिए और जो यहाँ पे पाकिस्तानी बैठा है उसे हाथ खड़े करने के लिए नहीं कहेंगे। सभी हिंदुस्तानी उठाएंगे हाथ और कहना है मेरे साथ मिलकर क्या जन्म में हम मिले या ना मिले। तीनों वीरों के हाथ खोल दिए गए और एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और कह रहे हैं क्या मेरा रंग देखो सुनती नेताजी की रागनी पर दिए थे मैं बाबा का बार बार धन्यवाद करूंगा। बार बार धन्यवाद। आइए सिंह जी।
छोड़कर गए क्या संदेशा था वो ये था कर चले कर चले हम फिदा चले चले साथियों अब तो छोड़े हाले चले साथियों जैसे धन्यवाद काली घंटी बैठने में लेकिन आज ये बेहाल विकराल रूप यही मेरा श्रृंगार है कन्हैया नहीं ये तुम्हारा श्रृंगार नहीं और तुम यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो बात देने के लिए अच्छा हाँ। तो बात देने के लिए खड़े हो बात ही भरकर के आया हूँ और बात भरने के लिए बुलाया हूँ और बात भर के जाऊँ अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे हाथों से भात लूंगी हाँ। तुम्हारा पटरे के ऊपर खड़ा करके आरती करूंगी करना चाहिए तो ये तुम्हारी गलतफहमी अच्छा ना ही तेरे हाथ से भात लूंगी अच्छा और ना ही तेरा आदर सत्कार करूंगी हाँ। नहीं चाहिए तेरे हाथों से बात चला जाए यहाँ से क्या कहती हो जो तुम सुनते हो कहीं कोई
कुछ कहना चाहूंगी? हाँ, आखिरकार मैं चिट्ठी गिर करके बुलाया हूँ, मगर बुलाया नहीं आया। मैं भाती बन करके खड़ा हुआ तो बहन को तो खुशी होनी चाहिए। अच्छी, आज मेरा भाई भाती बन करके आया है। मुझे नहीं है खुशी कि मेरा भाई भाती बन कर आया है, मुझे नहीं है खुशी कि आज मेरे बेटे की शादी है। तो तुम्हें गम किस बात का है, वो गम भी बता दो। गम पूछना चाहते हो? हाँ, तो सुन ले मेरी बात। सुनाओ। मेरे पटरे ऊपर पैर धरने ले, तू मत नंदलाल उठिए, लेकिन तू तो ये भी नहीं जानता कि बहन और भाई का प्यार क्या होता है। बहन और भाई का रिश्ता कैसा? बहन और भाई का रिश्ता, बहन और भाई का प्यार नहीं समझता तो आज मैं भाती बनकर के यहाँ खड़ा नहीं होता। द्रौपदी। अच्छा। हाँ। तू भाती बनकर नहीं आया कन्हैया, और तू मुझे दर्द देने के लिए आया। क्या दर्द दे दिया मैंने तुझे? मेरी बात सुना। जाने रिश्ता कैसा, तू के जाने रिश्ता कैसा, भाई बहन का हो से होए दर्शन हो जा, दोनों के वो समय चिंता हो से के भाई का फर्ज बहन को दुख देने का हो से, और ना भाई का फर्ज दुखों में मगन रहने का हो से, फर्ज कहीं नहीं निभाया। नहीं निभाया इस बात को बड़ी सभा में तू कहती है? हाँ मैं कहती हूँ। शायद तू भूल गई क्या मेरे किए हुए फर्ज को, मेरे किए हुए उपकार को। क्या भूल गई कन्हैया? याद कर ले। कुछ याद नहीं है मेरे। याद कर ले। कुछ भी याद नहीं है मेरे। तो मैं याद दिला दूँ? दिला। तेरा चीर द्रौपदी, चीर द्रौपदी, चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तू, पता चला है इस बात का कि तू मेरे यहाँ पे भाग देने के लिए नहीं आया। हाँ।
समझ दिया नहीं तो कहा तूने नाटक एक भाई वाला तूने कहीं फर्ज नहीं निभाया नहीं निभाया भाई याद कर हरी सभा में जब दुशासन चीर खींच रहा था तेरा कोई साथी हिमाचल नजर नहीं आया तो तूने एक फर्ज को एहसान का नाम दे दिया हरी सभा में तूने रो करके मुझे बुलाया मैं दाना चला आया तेरा इतना चीर बढ़ाया की पापे दुशासन खींचता खींचता चक्कर खा करके धरने में गिर गया हाँ। लेकिन मैंने तेरे चीर का अंत नहीं होने दिया और तूने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया और तू भाई इस बात को कह दिया तूने एक भाई वाला कोई फर्ज नहीं हो तूने मुझे बता तो दिया कि तूने मेरा चीर बढ़ा के मुझ पे एहसान किया है तो याद कर अगर तूने मुझ पे एहसान किया है तो तेरे एहसान से पहले मैंने भी तुझ पे एक एहसान कर रखा है तूने एहसान कर रखा है मेरे ऊपर हाँ मैंने मैंने तो अपना एहसान कर रखा है मैंने तो अपना फर्ज तेरे याद दिला दिया लेकिन तू भी अपना एहसान बता दे कि तूने क्या एहसान चढ़ा रखा बताऊं कौन सा एहसान सुन ले जरा मेरे ठाकुर सा ठाकुर सा एहसान तने तो चढ़ा चढ़ाया और कौन सा तने कौन सा तने चढ़ा रखा वो भेद खोल दे सारा मारया था दिख मारया था शिशुपाल हाथ में चक्कर लगा तुम्हारा जान गया मैं तो जान गया तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा जान गया तने पट्टी बांधी खुश होकर के आदरणीय बड़े भाई पहले भी ढेर सारा प्यार और पुरस्कार इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिला पार्षद महोदय बड़े भाई सोमवीर लामा जी 500 रुपए फिर से देकर के रागनी का सम्मान करते हैं एक बार जोरदार तालियां हो जाए एक बार जोरदार तालियां रागनी की दो कली हुई है द्रौपदी और कृष्ण का संवाद चल रहा है ये कृष्ण और द्रौपदी भाग की रागनी समझ में आ रही होगी तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके बता दे जोरदार ताली क्योंकि इसी रागनियों का कोई तोड़ और कोई मोल भाव नहीं होता ये रागनियों का तो पुरानी और बूढ़ी नहीं हुआ करती आइए कलाकार बदल जाते हैं भाषा शैली बदल जाती है साधन संगीत बदल जाता है लेकिन सब तो रागनियां वही होती है हाँ। पहले जैसा भेष देखना चाहता है मेरा पहले जैसा रूप कर ले ये निकली हुई जीव भीतर कर ले नैना से ज्वाला इसको बंद कर ले बिखरे हुए केश समेट ले हाथ में खप्पर नहीं हाथ में मेरे हाथ का थाल ले ले और मेरा सम्मान कर दे और मुंह खोल के मांग ले तुझे हाथ में क्या चाहिए वही दे अच्छा हां तो देख दिखा पहले वाला रूप देख मेरा हां देखो मेरे पहले कैसा पहले कैसा रूप किया मेरे खुले बाल देख ले कंगाल तू जग में क्या कंगाल देख ले जका घाटे में जका घाटे में रह जागी बहुत की तू करके का देख ले घाटे में रह जागी बहुत की तू करके का देख ले तेरा ना चाहिए धनवान देख ले तेरा ना चाहिए सांप सांप कह दे बहन खाओ
मोदी राजपाट धन दौलत मणि कनी सोट साड़ी जम्फर दाल चावल घी शक्कर गुड़ तेल तम्बाकू सोना चांदी जो चाहिए। एक किलो हींग चाहिए। हींग भी ले और तो चाहिए तो बाद में सौंदर्य लंबा भी ले। कितनी छोटी छोटी बात कर रहा है। छोटी छोटी बात क्या? अरे ये द्रौपदी का भात है कन्हैया। अरे ये कन्हैया दे रहा कन्हैया। द्रौपदी छोटी छोटी चीजें नहीं मांगेगी। अरे ले ले आज फिर दो चार छोरा भी ना करे कोई और को मौका ढूंढ रही हो। ये आज एक मौका है और आज इस मौके ने चुक दी ना रोबे जी बैठी बैठी जब तरजी में हीरे मोती सोना चांदी कड़ी मणि राजपाट बाजरा बाजरा गेहूं चना चना सरसों सरसों और इन चीजों का बात नहीं चाहिए। मक्का इन चीजों का बात नहीं चाहिए। और का तूड़ा लेगी? नहीं चाहिए तूड़ा भी। और क्या लेगी? अगर तू चाहता है चल एक काम करिए। अगर तू चाहता है तना पप्पू बगच्ची दे दू भात में। अरे मैं बगच्ची का क्या करूँगी? रोज आरती करेगा सेवा करेगा और क्या चाहिए बता। इतनी बढ़िया शोहरत भात में देने लग रहा हूँ। देख कर नहीं ऐसा है इन चीजों का भात मुझे नहीं चाहिए। और क्या चाहिए तुझे भात में? रोटी आखिरकार तू कैसा भात चाहती है? मैं कभी तेरी बात को समझ नहीं पाया। समझेगा अब समझेगा। अगर तू चाहता है कि मैं तेरा आदर सत्कार करूं करते भला होगा तेरा तेरा तिलक करूं तेरे नाम के मंगल गीत गाऊं हाँ। तो मुझे इन चीजों का भात नहीं चाहिए कन्हैया। क्या क्या चाहिए तुझे भात में और क्या लेगी? सिर्फ तीन वचनों का भात चाहिए कन्हैया। अगर दे सकता है तो रुक तेरा भी आदर करूंगी आदर सत्कार करूंगी और अगर नहीं दे सकता तो यहाँ से जा सकता हूँ। हर तीन वचन भर लूंगा तो जब तो भाग मांगे। इतना बेशरम हो रहा है कन्हैया भी हिराए थे भी नहीं इतना बेशरम। चल जा यहाँ से। तीन वचन भरूं? हाँ भर। जब भाग पहने दी बिल्कुल जब तो पहन लेगी बिल्कुल पहन लूंगी भाग। जब भी पहले पर आए उतार के फेंक दे गई। अगर तीन वचन भर लेगा हाँ। और जो तीन वचनों में मांगूंगी वो देगा हाँ। तो राजी राजी तेरे हाथों से तीन वचन भरूंगा भाग भरूंगा। लेकिन भात भरने की भाई की एक फिरौती होती है। हाँ होती है। और वो फिरौती मैं लूंगा और वो फिरौती भी मैं ऐसे नहीं लूंगा पहले मेरा भी एक वचन भरना पड़ा। अच्छा वचन भी लेगा? और क्या जा तो तू भी क्या याद रखेगा कि किस दिल फरियाद इंसान से तरफ वाला पड़ा दिया तुझे एक वचन लेकिन पहले मांग मेरी होगी। या तो लंबा चौड़ा दिल तेरा या मैं पप्पू भगत जी का और तो बाकी सब तेरे दिल के ही हैं। हाँ हाँ हर तीन वचन भर दे छलिया ना मांगू हीरे मोती। एक वचन पहले दे दे मने एक वचन पहले हाँ दे दे न छोटू बहन फिरौती। हर दोनों ने वचन लिए क्यों खड़ी बात फिरौती। अरे तेरा मेरा दोष नहीं ये सब सराहनी होती। तेरा मेरा दोष नहीं ये सब सराहनी होती। का खून चाहिए तुम हाँ चाहिए तो चाहिए। मेरे बुजुर्ग जानते हैं क्योंकि इन्होंने माँ बाप बड़े गौर से देखे ध्यान से देखे। मेरे नौजवान भाई आज की कॉपी शायद नहीं जानती होगी कि 1800 क्या था। 1800 में मेरे युवा दोस्तों महाभारत का जो महाभारत की जो सेना थी वो पूरी 1800 थी। 1100 में कौरव और कौरव की सेना थी और 7100 में पांच पांडव और पांडव की सेना भगवान कन्हैया ने कौरव पांडवों को मिलाकर के कौरव पांडव की सेना को मिलाकर के कौरव पांडव के साथ में जितने भी जीव थे चाहे वो हाथी थे चाहे घोड़े थे और यहां तक कि भगवान कन्हैया को मिलाकर के
18 समीकरण का खून द्रोह तीन वचन बर्बाद कर देता नहीं से बात में मांग लेती एक बार जोरदार तालियां हो जाए एक बार जोरदार तालियां। लेकिन कन्हैया ने जो फ्लोटी के लिए एक वचन भरवाया था उसमें कन्हैया क्या मांग रहे हैं द्रौपदी से बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। द्रौपदी ने तो कह दिया और मांग रही है द्रौपदी क्या अठारह सोनी दल का खून पी। लेकिन लेकिन क्या रोटी दे दे मेरी रोटी ले ले लू सोच समझ के ले लू ना हाँ देख ले कहते पाछे हट गया। पहले तू ये बता कि मुझे खून देने के लिए तैयार है। अठारह सोनी दल का खून मिलेगा मिलेगा हाँ अभी। लेकिन रोटी तो दे पहले हाँ तो खून मिलेगा तो फिर रोटी मिलेगी। अरे पांच पांडव पांच पांडव पांच पांडव और किरसर तंतु रहम द्रौपदी भैये क्या हुआ मुझे नहीं पता था किस बात का ये दुनिया कहती है कि कन्हैया छलिया है। तो तेरे साथ में कोई छल नहीं किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरे साथ भी छल करेगा। कोई छल नहीं किया। छल किया है। क्या कर दिया अगर इस बात का अंदाजा भी होता कि तू मेरे साथ छल करेगा क्या कर दिया तो मैं द्रौपदी हाँ। अरे मैं द्रौपदी तुझे एक वचन कभी भी नहीं देती और धक कर देती बाहर निकाल देती यहाँ से चल। अगर तुझे पता होता कि कन्हैया ये छल करेगा एक वचन कभी भी नहीं देती और हो सकता है कि तू एक वचन ना देती मैं तीन ना देता। तू देता तीन वचन क्यों देता तेरा फर्ज था। तू एक नहीं दे सकती तो मैं तीन क्यों देता क्योंकि मुझे भात चाहिए था मैंने मांगा और तू भात भरने के लिए आया है इसलिए तेरा फर्ज था कि मैं चाहे वचन मांगू या भात में कोई भी वस्तु या चीज मांगू। अच्छा वचन मांगे या बात में कोई वस्तु मांगे हाँ। अरे बात में कोई वस्तु मांगती तो मेरे लिए ये वस्तु ही समान है। वस्तु नहीं अरे मेरा खप्पर खाली का खाली रह जाएगा। अरे मान्यो कबीर को सर्वनाश मांग लिया सर्वनाश तो मैं चाहती हूँ सर्वनाश करना चाहती हूँ। तो पांच पांडव और छठे अपने भाई को छोड़ दे नहीं छोड़ सकती। अरे मां डायन तुम छयो के बिना मेरा खप्पर खाली का खाली रह जाएगा। मां अगर डायन हो तो अपनों का तो वो भी ख्याल करती लेकिन मैं अपनों का ख्याल नहीं करूंगा। पांच पांडव आखिर तेरे और एक छठा भाई कर सकते हो चाहे अपना हो चाहे गैर हो मेरे सब दुश्मन हैं और मुझे अपने दुश्मनों का खून चाहिए। रोटी शायद भूल गई अभी अधर्म की दीवार खड़ी है और वो दीवार अभी टूटी नहीं अभी अधर्म बकाया है। इन पांच पांडव का रहना भी बहुत जरूरी है क्योंकि उस पर हम अधर्म को मिटा सकते हैं तो पांचों पांडव मिटा सकते हैं और पांचों पांडव भी जब मिटा सकते हैं जब उनके साथ में कन्हैया हो। छह प्राणियों के बगैर अधर्म मिटने वाला नहीं है। अगर ये जिसमें अधर्म मिट जाएगा उस दिन जा उस दिन हम छह प्राणी भी अपना खून अपना बलिदान को मारेंगे। अच्छा लेकिन तुम छयों के बिना मेरा खप्पर खाली रह जाएगा। अरे घूंट दो घूंट कम पी लीजो कम बिल्कुल नहीं पीऊंगी शुरुआत तो तेरे से करूंगी मैं। कितना खून निकलेगा मेरे में तेरे में चाहे एक घूंट निकले लेकिन शुरुआत तेरे खून से होनी है। अच्छा हाँ यार तेरी फिरौती का पता नहीं था तेरी फिरौती का पता नहीं था मारी चोट को ढाली अरे तुर तेरी ते चली आई नफरती गई निराली। तुम छयो के बिना कन्हैया तुम छयो के बिना कन्हैया
मेरा छप्पर रह जा खाली। और कलयुग में जा कलयुग में भरवा दूंगा आज सवरनाथ पंचमी। कलयुग में भरवा दूंगा आज सवरनाथ पंचमी। कृष्ण भात जैकरण गढ़ दे, कृष्ण भात जैकरण गढ़ दे, मित भारत में गई। गुरु शरणदास की मेहर फ्री, गुरु शरणदास की मेहर फ्री, गुरु पंजाब में कही है। Gracias.